हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो खबर ये है कि रेस 3 अब 3D में आने वाले। जी हाँ, ये खबर को मैंने आपको करीबन 15 दिन पहले बताया था, बट मैं ऑफिशियली श्योर नहीं था। फिर 4 से 5 दिन पहले मैंने ये खबर वापस सबको बताई, तब मैंने साफ साफ कहा था कि मैं 99% श्योर हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि प्राइम फोकस में इसकी जो है 3D वर्जन का जो है आई थिंक जो काम है वो चालू था, और अब ये ऑफिशियल हो चुका है कि ये फिल्म 3D में आने वाली, जो अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। और 3D में आएगी तो ये फिल्म कमाल करेगी, मेरा ऐसा मानना है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि फिल्म बहुत अच्छा कलेक्शंस करेगी। और कहीं ना कहीं मुझे अब लग रहा है कि यार 300 करोड़ का जो एक टेंशन था वो अपने दिमाग से उतर चुका है, मेरे दिमाग से उतर चुका है, क्योंकि 3D में रहेगी तो फिल्म का टिकट थोड़ा सा और हाई रहेगा, और उससे आराम से फिल्म 300 करोड़ में तो भाई पहुंच जाएगी। अब ट्रेलर आने का मैं वेट कर रहा हूं, ट्रेलर जैसे ही आएगा वैसे मैं अपने लाइफ टाइम प्रेडिक्शन जरूर बताने वाला हूं। आप ही क्या राय जरूर बताइए 3D में आने वाली है उसके लिए, और कल जो ट्रेलर भी है वो भी 3D में रिलीज़ होगा, तो कितने एक्साइटेड है आप, और जो मुंबई में रिलीज़ होने वाला है जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चाहिए कितना ही।